अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम छट्टे के तरीके से गंदम काश्त करते हैं, क्या इसकी पैदावार ड्रिल काश्ता गंदम के बराबर ली जा सकती है या ड्रिल काश्त को तरजीह देनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है पैदावार का, तो बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो छट्टे से ड्रिल से ज़्यादा पैदावार ले लेते हैं, और ऐसे भी काफ़ी सारे हैं जो ड्रिल भी करते हैं फिर भी छट्टे से कम पैदावार आती है उनकी। क्योंकि छट्टे के तरीके से काश्त करना हमारी मजबूरी है कि हमारे ज़्यादातर जो फार्मर हैं, जो काश्तकार हैं, वो उनका रकबा थोड़ा है और वो अक्सर ड्रिल अफोर्ड नहीं करते। अगर ड्रिल भी लें तो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं होता, तो इसीलिए वो छट्टे को ही तरजीह देते हैं। जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, वो तो ज़्यादातर इस्तेमाल ही ड्रिल का करते हैं, बल्कि अब तो बेड प्लांटर पर भी आ गए हैं, लेकिन हर ज़मीन के लिए ये ज़्यादा मौजू नहीं है। बहरहाल, जो छट्टे का तरीका है ना, उसमें आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अगर तो आपको सही तरीके से छट्टा करना आता है तभी खुद से करें। अगर छट्टा करना नहीं आता तो हर गांव में दो चार ऐसे बंदे होते हैं जो माहिर समझे जाते हैं बीज छट्टा करने के। इनसे लोग हेल्प लेते हैं, ख़ासकर जैसे बरसीम है, सरसों है, जई है, इनका बीज छट्टा करवाने के लिए, राय वगैरह का, और गंदम का बीज भी छट्टा करवाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हम चारा जात खरीफ में लगाते हैं छट्टे के तरीके से, जैसा कि ज्वार है, बाजरा है, इसके लिए भी हेल्प चाहिए होती है। तो आप भी किसी ऐसे बंदे की मिन्नत समाजत कर लें, या उसकी ज़रा खातिर तवाज़ो करके, या उनके साथ बना के रखा करें और उन्हीं से खिदमात लिया करें। और अगर आप बड़े फार्मर हैं और छट्टे से गंदम काश्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक सीड ब्रॉडकास्टर ले लेना चाहिए। उससे यूनिफॉर्म छट्टा होता है और आपका टाइम भी बच जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो हम ड्रिल काश्त करते हैं, उसमें भी एक एहतियात करनी चाहिए कि जो ड्राइवर है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अनाड़ी ड्राइवर है, ज़्यादा डेप्थ में जो है वो ड्रिल ले जाता है, तो उगाव देर से होता है या बाद जगहों पर होता ही नहीं, तो उससे भी आपके पौधों की तादाद में कमी आ सकती है। यानी दोनों तरफ से रिस्क है। अनाड़ी बंदा है तो वो छट्टे में भी कामयाब नहीं है, और अगर अनाड़ी ड्राइवर है तो उससे ड्रिल भी ठीक तरीके से नहीं होनी। तो आप ड्रिल की बजाय छट्टा कर लें, मगर छट्टा करने वाला काबिल हो। इसी तरह अगर छट्टा करने वाला काबिल नहीं मिलता, तो फिर छट्टे की बजाय आप ड्रिल से काश्त कर लें, अगर आपको ड्राइवर अच्छा दस्तियाब है। जब भी आपने छट्टा करना है तो आपने दोहरा छट्टा करना है। कोशिश करें 50-60% बीज, बल्कि 50% से ज़्यादा बीज जो है वो एक दफ़ा छट्टा कर लें आप, मशरक मगरब कर लें। उसके बाद जो बकिया हिस्सा बचेगा उसे आप शुमालन जनूबन छट्टा करें। इससे जो है वो छट्टा यूनिफॉर्म हो जाता है और आपका उगाव भी एक जैसा होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बाज़ दोस्त ऐसे करते हैं कि करते तो ड्रिल काश्त है, मगर वो करते छट्टे के तरीके से ही हैं कि एक दफ़ा मशरक मगरब ड्रिल चला ली और फिर जो है वो शुमालन जनूबन ड्रिल चला ली, जिग जैग इस तरह से भी कुछ लोग करते हैं और अच्छी पैदावार ले लेते हैं।